एक गाना बजाओ, गाना बजाओ। अरे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, अकीन कर आके देखेंगे। तो कहते हैं देख लेना, देख लेना। तीन मिनट अभी निपटाते हैं, बहुत जल्दी में। भगवान सूर्य के पास पहुंच गए और कहा कि आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए, आप हमको विद्या अध्ययन कराइए, आप हमारे गुरु बन जाइए। देखिए वहीं से बात निकल के आ रही है। तो भगवान सूर्य कहने लगे कि उस दिन का दिन आज भी नहीं दिनकर को भूला है। फल की तरह, और इतना नहीं, अरे तुमने हमको अब रल चलना होगा गंगा जल की तरह। बोले मैं चलायमान हूं, मैं कभी रुकता नहीं हूं, और जब मैं रुकता नहीं हूं मेरे रथ में सिर्फ एक ही सीट है, एक मेरा सारथी और एक मेरी। मेरे रथ में तुम बैठ नहीं सकते, मैं रुक नहीं सकता, पर मैं तुम्हें विद्या अध्ययन कैसे कराऊं, कैसे कराऊं। तो हनुमान जी कहने लगे, अरे आप पढ़ाए हम पढ़ते जाएं। हनुमान जी ध्यान दीजिए गीत पर, अरे आप पढ़ाए हम पढ़ते जाएंगे, आप सीधे बढ़ो हम उल्टे बढ़ते जाएंगे, आप सीधे बढ़ो हम उल्टे बढ़ते जाएंगे। भगवान सूर्य बोले देखेंगे, तो हनुमान जी बोले देख लेना। सूर्य भगवान बोले कि हम आपको रथ में नहीं बिठा सकते, आपको उल्टा चलना होगा। तो हनुमान जी कहने लगे, आप पढ़ाए हम पढ़ते जाएंगे, आप सीधे बढ़ो, अरे सीधे बढ़ो हम उल्टे पढ़ते जाएंगे। बोले तो उल्टे बढ़ते जाओगे। तो भगवान सूर्य बोले देखेंगे, तो हनुमान जी बोले देख लेना, देखेंगे, दी गई हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ मेरी चूक भी बताई गई हैं, हाँ। और कुछ अपने गाने दोहरा
ससुराल के विशेषता भी बताई गई है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। बोले उत्तर ये कैसा छाप के दिया, ज्यों का त्यों मेरा ही पूरा नाप के दिया। मंजला जी क्या कहते हैं आपको, मैं सच्चाई बता रही हूँ, आप जो भी जवाब दे रहे हैं मैं अपनत्व के नाते कुछ टोक नहीं रही, लेकिन एक पता नहीं क्या अपने गीत को समझ के आपने टोक दिया है। ज्यों का त्यों मुझे नाप के दिया है। अच्छा आपके गीत में ये लाइनें थी बताइए, कि मुझे जिसने मारा वो तेरा बाप था प्रिया। मैंने कहा कल्पना कभी कि मैंने आपके सवाल का जो जवाब दिया था, मंचला जी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। और क्या, लेकिन ज्यों का त्यों छाप के आपने दिया था उसके ठीक पहले राउंड में, जब मैंने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ तू भी चौकीदार है, यही लाइने आप खड़े होके गाने लगे, मैं भी चौकीदार हूँ तू भी चौकीदार है। और क्या, मैं भी चौकीदार हूँ मैं भी चौकीदार हूँ। देखिए जवाब जहाँ से बनता कलाकार वही से लाता है। और क्या, मैंने अभी टुकड़ा दिया था चेला के 9-20 है, तो आपने कहा कभी इसको गाना तो इसको आप जोड़ लेना। मंचला जी मेरा कटफीस इतना कमजोर नहीं है कि आपकी लाइनें जोड़ने की आवश्यकता पड़े। ना बेटे ना, और आपसे पहली बार नहीं, मैं सब कलाकारों से गा चुकी हूँ इसको। बाकी ठीक है, जो आपसे बन पड़ रहा है बढ़िया है, अच्छा है, गीत का भी बढ़िया जवाब रहा, बहुत बढ़िया। द्वापर में चुकाएंगे, अब कैसे चुकाया क्या किया वो भगवान जाने। और क्या, आपका टुकड़ा आया है, कौन सा है? Yeah.
देखेंगे। और क्या, हम भी आएंगे छतरपुर। अब मैंने सोचा कि ऐसा कहां से लाया जाए, देखेंगे और देख लेना। और क्या, वैसे रामचरित मानस में ही लाना चाहिए, कहीं अगर बन जाए। और क्या मंचला जी, सुनेगा सुने। इधर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रामचरित मानस से और एक राधे श्याम रामायण से लेख मिलता है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण ने धनुष तोड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि राम जी की तरफ देखा और बोला, हे राम, हे राम, हे राम, तुम्हारी बाम भृगुटी पर पिता मरण बनवास लिखा। भृगुटी दाहिनी दिस रेखा बिच लंका पति का नाश लिखा। तो हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना और इस दसमुख की मोक्ष पिटारी को धर्म धुरीर साथ ले आना। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन किंतु परंतु, जहां लग जाए, समझो दाल में कुछ काला है। रावण कहने लगा, ऐसे ही लंका में नहीं आ पाओगे, निमंत्रण जरूर दे रहा हूँ। लेकिन राम, इतना ध्यान रखना, ये लंकेश्वर कह रहा है। आदरणीय मंत्री जी सुनिए, जवाब सुनिए कि मेरे जीते लेना। और क्या, समझो, प्रयास कर रही हूँ ये आपकी लाइन बन जाए। मनी दादाजी सुनिएगा, सुने। रावण कह रहा है कि राम, मैं अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं आने दूंगा। नो एंट्री। और ये हुआ है, रावण के जीते जी राम लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। सुनिएगा, सुने। श्रोता रह गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा और जवाब देके कुछ एकाध दो गीत अच्छे मेरी तरफ से, एकाध दो उधर से हो जाएं।